हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुपंच स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं पंचायती राज विभाग की तरफ से आई एक और डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइनिंग लेटर। आइए जानते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर है और ये आई है मधुबनी जिला की तरफ से। और जैसा कि देख रहे हैं, ये है आप लोग का एक मुख्य सूचना। क्या क्या है इस सूचना में, जैसा कि आप लोग को बताना चाहेंगे, इसमें 83 कैंडिडेट का शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन होकर आ चुका है और बताया गया 15/1/2020 के शाम 5 बजे तक आप लोग को ज्वाइनिंग लेना है। इसमें महत्वपूर्ण यही है। और ये रहा उन कैंडिडेट्स का लिस्ट, और आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम दिया है, पति का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, अभ्यर्थी का कोटि, आवासीय पता दिया गया है, और अपना आप लोग नाम चेक कर सकते हैं। ये देखिए कुल ये है कैंडिडेट्स, 37 कैंडिडेट्स यहाँ हैं और ये देखिए 57 तक यहाँ आ गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नाम चेक कर सकते हैं अपना। और कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, आइए जानते हैं क्या है। यह चयन 31 मार्च 2020 तक मान्य होगा और समय पड़ने पे आप लोग की अवधि विस्तार भी की जा सकेगी। सेकेंड पॉइंट है, संविदा शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी मधुबनी के साथ जो है इकरारनामा किया जाएगा। आप लोग को क्या क्या ले जाना है इकरारनामा के समय, ये जान लीजिए आप लोग। पहला है आपका प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, मूल प्रति और 2 फोटो ले जाना है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना है और एक ले जाना है कि आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। तो ये कहाँ से बनेगा ये आप लोग को बता देते हैं। और एक ले जाना है दहेज नहीं लेन देन संबंधी तथ्य का उल्लेख हो, वो वाला प्रमाण पत्र ले जाना है। और ये आपका समाज कल्याण विभाग की तरफ से बनेगा, आप लोग वहाँ जाकर बनवा सकते हैं। और आठवां, जो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग तकनीकी, ये सब आप लोग पढ़ लें वीडियो को पॉज करके। और जैसा कि देख रहे हैं, इकरारनामा तैयार कर दिया जाएगा और कब तक ज्वाइनिंग लेना है इसके बारे में दिया गया है, 15/1/2020 तक। और आपका 21/651/2018 जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस दायर है आप लोग का, इसमें कोई भी चेंज होता है आप लोग का तो इस लिस्ट में 10-12 कैंडिडेट के लगभग का चेंज हो सकता है। तो क्या क्या दायित्व रहेगा, जूनियर इंजीनियर का, टेक्निकल असिस्टेंट का, ये दी गई है 4 पॉइंट में, आप लोग पढ़ लें अपना। और बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी होगा जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। और देखिए साइन होके आ चुका है 6/1/2020 का। और कोई भी जिला का आता है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा अपडेट। और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।